ये कि ये दोनों कचरा का जो डब्बा दिया गया है उसका क्या मतलब क्या है, इसमें आप क्या रखने वाले हैं, कैसे क्या बोला गया है नगर पालिका की तरफ से? प्लास्टिक रखने का है, ये किचन के रूम में रखना है गीला कचरा। इसमें इसमें क्या रखना है? आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है किचन वेस्ट, किचन वेस्ट बहुत अच्छी बात है। इसको इसमें किचन में रखने के लिए दिया गया है और इसमें लिखा गया है प्रगतिशील सिलवासा सूखो कचरा, यहाँ पर सूखा कचरा रखने के लिए बोला गया है। उसके बाद नगर पालिका की तरफ से जो आपको दिया गया ये जो कचरा का डब्बा, उस दिन क्या बोला गया था आपको? बोला गया था इसको यूज करने के लिए, यूज करने के लिए बाहर में यूज करो, बाहर का कचरा रखो, अच्छा। तो आप अभी गंदगी नहीं फैलाएंगे, गंदगी नहीं करेंगे आप लोग? क्या छोटू, यहाँ पर जो कचरा का डब्बा दिया गया है, तुम अभी कचरा करोगे, कुछ गंदा करोगे यहाँ पे? चलो ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कचरा का डब्बा रखा गया है नगर पालिका के द्वारा। आप बताइए कब दिया गया था ये कचरा का डब्बा, कितना दिन हो गया इसका दिया हुआ? परसों दिया गया था। तो ये डब्बा देते वक्त क्या बोला गया था आपको? हाँ, सूखा कचरा किस में रखना है आपको पता है? इसमें रखना और गीला, और जो किचन में रखने के लिए बोला गया है वो कौन सा है? वो किचन में रखने के लिए गया है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो अभी गंदगी दिख रही है ये सब जो है वो अभी कल से नहीं दिखेगा, यहाँ पर आप अच्छे से रखेंगे इसको साफ़ सफाई। नगर पालिका इसके लिए दे रही है क्योंकि आप गंदगी ना करें, आप साफ़ सफाई रखें, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। नगर पालिका के द्वारा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कचरा का डब्बा दिया गया है प्रत्येक घर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कचरा का डब्बा दिया गया है, और शायद अभी साफ सुथरा जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत यहाँ पर दिखाई देगा। इस वीडियो में देख रहे हैं आप एक महिला जा रही है कचरा, जो उसका कचरे का डब्बा दिया गया है उस कचरे के डब्बे में कचरा भरकर और जो कचरा बॉक्स है साइड में रखा हुआ उसमें डालने के लिए, जिससे कि आसपास साफ सफाई रहेगा। देखते रहिए आगे, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और अपने घर के अंदर से जो कचरा है वो निकाल कर वो डब्बे में भरकर वो कचरा बॉक्स में रख रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत उदय समाचार की स्पेशल पेशकश। देखते रहिए भारत उदय समाचार, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।